तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं मियां अमजद फारूक अमजद, सबका सदर DCVM अलीबादी, आपसे मुखातिब हूँ। हमारे क्रिकेट के सुपरस्टार जिन्होंने मोमेंट ऑफ रिस्टोरेशन क्रिकेट एसोसिएशन की बहाली की तहरीक जो शुरू की है, मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और खुसूसन ग्रुप लीडर शेख शकील साहब, नुमान भट्ट और तारक सरवर की कोशिशों को खराज तहसीन पेश करता हूँ और इन दोस्तों से उम्मीद करता हूँ कि ये साहिबान क्रिकेट को असल हालत में लाने के लिए चैन से नहीं बैठेंगे और ना हमें बैठने देंगे। मैं समझता हूँ कि क्रिकेट की मौजूदा इंतज़ामिया ने क्रिकेट के अच्छे खासे निज़ाम को तहवाला कर दिया है और जो क्रिकेट अच्छे तरीके से ग्रास रूट पर पनप रही थी उसका खात्मा हो गया है। इन्होंने तमाम सिस्टम को ख़त्म करके क्रिकेट की तबाही कर दी है, खुसूसन क्लब क्रिकेट ख़त्म होकर रह गई है, ग्राउंड गैर आबाद हो गए हैं, डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म होने से मुकाबले का रुझान ख़त्म हो गया है, हज़ारों बच्चे बेरोज़गार हो गए हैं, कोई रक्षा चलाने पर मजबूर है और कोई मैं समझता हूँ कि रेडी लगाने पर मजबूर है। मौजूदा इंतज़ामिया का मजीद रहना क्रिकेट पर एक बोझ है और ये लोग अगर PCB पर मजीद मसलत रहे तो पाकिस्तान में क्रिकेट का शिराजा बिखर जाएगा। मैं उम्मीद रखता हूँ कि इस तहरीक को खुदारा दरमियान में मत छोड़िएगा, हम इसको मंतकी अंजाम तक बचाने तक हम भी चैन से नहीं बैठेंगे और हमें इस बात का हलफ देना होगा कि हम क्रिकेट और क्रिकेट ग्राउंड्स के लिए और क्रिकेटर के लिए हम अतन हर अव्वल दस्ते का रोल अदा करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि भी और दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इस तहरीक में कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।